ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। दोस्तों पितृपक्ष 2023 ये स्टार्ट हो रहा है 29 सितंबर फ्राइडे को और ख़त्म होगा 14 अक्टूबर सैटरडे को। ये 16 दिन का समय जिनके अंदर सभी हिंदू अपने अंसेस्टर्स, अपने फादर, फोर फादर और उनके फादर, यानी कि हम अपनी तीन पीढ़ियों के लिए उनको याद करते हैं, उनको खाना पानी अर्पण करते हैं और उनके लिए पाठ करते हैं। ये जरूरी है इस चीज़ के लिए कि हम अपने जो हमारे पितर जा चुके हैं इस दुनिया से, उनको खाना दें। पितृलोक का एक दिन धरती के एक साल के बराबर है। जब हम यहाँ पे एक बार साल के अंदर खाना देते हैं तो इसका मतलब उनको पर डे खाना वहाँ पे पहुँच रहा है। इसके पीछे कहानी क्या है? जो किंग करण था महाभारत समय में, जब उसकी डेथ हो गई तो स्वर्ग की तरफ चला गया। उसको गोल्ड काफ़ी दिया गया खाने की बजाय। तो अभी खाना तो आप खा सकते हैं, मगर गोल्ड वहाँ नहीं खा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो आपने चैरिटी की है इस जन्म में, उसके अनुसार आपको ये चीज़ें दी गई हैं। खाना आपने सर्व नहीं किया अपने एंसेस्टर्स को, इसलिए आपको खाना नहीं मिलेगा। तो करण ने रिप्लाई दिया कि साहब, मेरे को तो अपने एंसेस्टर्स का पता नहीं था। तो जो इंद्र है उसने बोला करण को कि आप कम से कम अभी 15 दिन के लिए धरती पर जाएं और अपने एंसेस्टर्स के लिए खाना डोनेट करें। आप जानते हैं करण बहुत बड़ा दानवीर था, हम दानवीर करण बोलते हैं, मगर वो खाने की बजाय, खाना बुजुर्गों को अर्पण करने की बजाय वो लोगों में सोना और सामान दूसरी चीज़ें बांटता रहा। सो ये जो समय है इसको हम पितृपक्ष बोलते हैं। इसके अंदर हम श्राद्ध करते हैं, जो कि एक रिचुअल्स हैं, हमारे 16 संस्कार के अनुसार एक रिचुअल्स है। ये लोगों से हर सोसाइटी के अनुसार अपना अपना कुछ चेंज होता है। सो पहला पार्ट होता है इसमें पिंडदान करते हैं। जो लोग गया या दूसरी जगह पे एक बार पिंडदान करके आ जाते हैं हरिद्वार में, उनको जरूरी नहीं पिंडदान करने की। अदरवाइज इसके अंदर हम पिंड, राइस बॉल का पिंड बनाते हैं, उसमें घी, शुगर, राइस, हनी और ज्वार डालते हैं, तो वो दान के लिए यूज़ होता है। मगर याद रखें, जो लोग गया में, पुष्कर में, हरिद्वार में या जो आपके लोकल जगह हैं जहाँ पर आप एक बार उनका पिंडदान कराते हैं, उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पार्ट रहता है खाना, जो कि ब्राह्मण को खिलाया जाता है। दोस्तों याद रखें, इस पीरियड के अंदर जो खाना है वो ब्राह्मण को दिया जाता है। ब्राह्मण या उसकी वाइफ, इन दोनों को बुला के उनको खाना दिया जाता है, पानी दिया जाता है और उनको कपड़े या कुछ जो भी आपकी हैसियत के अनुसार उनको कुछ दिया जाता है। अगर उनके उस पीरियड में कुछ पाठ पूजा करते हैं तो अच्छी बात है। दोस्तों कुछ चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए पितृपक्ष में, नॉनवेज अवॉइड करें, अगर हो सके तो शेविंग और हेयर कट अवॉइड करें, जंक फूड, गार्लिक फूड, ओनियन, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। अभी बाल काटना अगर आप प्रोफेशन में हैं तो हो सकता है कि शेव और दाढ़ी आपको काटनी पड़े। इसके अंदर रिचुअल्स के अंदर हम जो अपने एंसेस्टर्स हैं, जो पितर हैं, उनके लिए हम करते हैं। और अब देखें, अगर मान लीजिए किसी को, आपको ये उस तिथि को किया जाता है जिस तिथि को किसी की, हमारे परिवार के मेंबर की डेथ हुई हो। ये जो पीरियड स्टार्ट होता है ये भाद्रपद के अंदर आता है और जैसे गणेश चतुर्थी ख़त्म होती है उसके अगले दिन ये शुरू हो जाता है। फुल मून से, मून डे से स्टार्ट होता है और जो 15 दिन का पीरियड के बाद 16 दिन ये ख़त्म हो जाता है। जो ट्रेडिशन के अनुसार जो हम इस जन्म के अंदर कर्म करते हैं, वो जो हमारे अनफिनिश्ड कर्मास हैं, जो हमारे बुजुर्गों के लिए हमें ड्यू है, उनको जब हम उनके लिए खाना अर्पण करते हैं तो ये हमें, हमारे जो अनफिनिश्ड कर्मज हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है।
इसका जो वर्णन है अग्नि पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, इन सभी शास्त्रों के अंदर पितृ अर्पण का बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। अगर मान लीजिए किसी की आपको ये नहीं पता कि उसकी तिथि क्या है, याद रखें इसमें डेट नहीं रहती है, इसमें जो चंद्रमा के अनुसार तिथि चलती है वो तिथि रहती है, जिस तिथि को डेथ होती है उसी के अनुसार उसी तिथि को उसका श्राद्ध होता है। अगर किसी की तिथि का पता नहीं है तो अश्विन अमावस्या को श्राद्ध किया जाता है, इसको सर्व पत्रिया अमावस भी बोलते हैं। और जो लोग जिनकी कोई एक्सीडेंट सुसाइड इन चीज़ों के साथ या जिनका ये नहीं पता रहता उस उनका श्राद्ध चतुर्दशी को किया जाता है। अष्टमी का फादर के दिन फादर का श्राद्ध किया जाता है और मदर के लिए नवमी का दिन ठीक माना जाता है। दोस्तों इस साल जो हमारी डेट्स पड़ेंगी वो 29 सितंबर को पूर्णिम श्राद्ध, इसी दिन प्रतिपदा श्राद्ध भी बैठेगा। इसके अलावा 29 सितंबर को ही पूर्णिमा और प्रतिपदा, ये दो श्राद्ध एक ही दिन फॉल करेंगे। 30th को द्वितीया, 1st अक्टूबर को तृतीया, 2nd चतुर्दशी और 2nd को माँ भरनी, 3rd अक्टूबर को पंचमी, 4 को षष्ठी, 5 को सप्तमी, 6 को अष्टमी, 7 को नवमी, 8 अक्टूबर को दशमी, 9 को एकादशी और 10 को है मघा श्राद्ध, 11 को द्वादशी श्राद्ध, 12 को मघा श्राद्ध और 13 को चतुर्दशी श्राद्ध और 14 को सर्व पितृ अमावस्या। यानी कि अगर किसी को किसी का नहीं पता या जो लोग हमें सपनों में या हमारे परिवार के अंदर कुछ बुजुर्ग हमें आते रहते हैं, हमें कहीं परेशानी रहती है, उस दिन हम 14 अक्टूबर सैटरडे को सर्व पितृ अमावस्या का श्राद्ध करके उनको शांति दे सकते हैं। दोस्तों ये तो था जो श्राद्ध के दिन कौन कौन से हैं और हम श्राद्ध 2023 में क्या डेट्स आ रही हैं। हमसे जुड़े रहें, आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।